दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है मेरे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मेरे न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। खतरों के खिलाड़ी 13 में जल्द कंटेस्टेंट बनकर स्टंट करते नजर आएगी अंजलि अरोड़ा। कच्चा बादाम से रातों रात इंटरनेट पर छा जाने वाली 21 साल की अंजलि अरोड़ा आज सोशल मीडिया पर कहर ढा रही है। उन्होंने अपने इसी साल के एक रील्स में बदौलत एक जाने को वह कितनों लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। उन्होंने लॉकअप में भी देखा गया था और जो कि एकता कपूर का रियलिटी शो था। इसमें कंगना रनौत बतौर होस्ट नजर आई थी और खबर ये है कि वो रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड एक रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में भी नजर आने वाली है। कच्चा बादाम गाने पर रील बनाने वाली फेमस हुई अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया पर जाना माना नाम बन चुकी है। इनके फैंस उनकी वीडियो देखकर काफी पसंद करते हैं और उनका वीडियो देखने के लिए नजर लगाए बैठे रहते हैं। कच्चा बादाम गाने पर बने रील के कितना कमाल का एक रिस्पांस मिला कि वह रातों रात स्टार बन गई है। शिव ठाकरे को टक्कर देती नजर आएंगी अंजलि अरोड़ा। रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो खतरों के खिलाड़ी का 13वां सीजन जल्द शुरू होने वाला है और इस रियलिटी शो में लिए अब तक कई नाम सामने आ चुके हैं और 13वें सीजन के लिए शिव ठाकरे को लेकर सनाया ईरानी तक को अप्रोच किया गया है और असीम रियाज पर भी मेकर्स ने दाव लगाया हुआ है। वहीं इन सब के अलावा अंजलि अरोड़ा का भी नाम खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में शामिल होने के लिए सामने आया है। उन्होंने इस बात के लिए हामी भी भर दी है। इससे लगता है अंजलि को डर। अंजलि अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर शो के जाने के बाद को एक थम्स अप दिखाते हुए बताया है कि उन्हें किससे डर लगता है, वह किससे डरती है बहुत ज्यादा। उन्होंने बताया कि उन्हें छिपकली से बहुत डर लगता है, वही सांप और कॉकरोच से भी उन्हें काफी डर लगता है। उन्हें देखकर वो काफी डर जाती है। जाने खतरों के खिलाड़ी के अन्य कंटेस्टेंट के नाम, आइए जानते हैं कौन कौन कंटेस्टेंट इसमें आने वाले हैं। खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में ऑफर अब तक सौंदर्य शर्मा, शिव ठाकरे, सनाया ईरानी, असीम रियाज, अमर रियाज, प्रियंका चाहर चौधरी और अर्चना गौतम सहित कई लोगों को दिया जा चुका है और बीते दिन स्प्लिट्सविला फेम पारस छाबड़ा और लॉकअप के विनर मुनव्वर फारूकी को भी शो ज्वाइन करने के लिए चर्चा थी। हालांकि अप्रोच किए गए कंटेस्टेंट के अधिकृत लोगों ने अधिकार बयान नहीं दिया हुआ है और शो करने वाले हैं या नहीं इनके बारे में खुलासा नहीं किया। हेरा फेरी के फरहाद को हटाओ क्यों सोशल मीडिया पर डायरेक्टर के खिलाफ छिड़ी जंग। जब भी कोई फिल्म या वेब सीरीज ओटीटी या पर सिनेमा घर में रिलीज होती है तो सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन के बाढ़ आना शुरू हो जाता है। स्टार कास्ट से लेकर डायरेक्टर और स्टाइल्स को लेकर भी फेम खुले तौर पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। हाल ही में फरहाद सामजी को एक लेटेस्ट शो पॉपकॉर्न को भी मिल रहा है और ये शो 17 मार्च 2023 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है। पॉपकॉर्न से फंसे फरहाद। कॉमेडी ड्रामा शो पॉपकॉर्न ओटीटी पर रिलीज होते पर सोशल मीडिया पर इनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लोग न केवल इस शो को बोरिंग बता रहे हैं बल्कि इसके डायरेक्टर फरहाद सामजी की खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। फरहाद सामजी के कई सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया है जिसमें अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी और परेश रावल की ब्लॉकबस्टर फिल्म हेरा फेरी भी शामिल है। हेरा फेरी 3 को लेकर बड़ी फैंस की चिंता। फरहाद सामजी हेरा फेरी 3 का निर्देशन करेंगे और यूं तो फिल्म की सीक्वल को लेकर ऑडियंस के बीच बहुत एक्साइटमेंट थी, लेकिन अब जो लोगों के फरहाद के शो पॉपकॉर्न को देखा तो लोगों को हेरा फेरी 3 की चिंता होने लगी है। लोग पॉपकॉर्न के को बिना एक लॉजिक को सिर दर्द बना रहे हैं और ऐसे में लोगों ने सोशल मीडिया पर रिमूव फरहाद फ्रॉम हेरा फेरी मुहिम छिड़ दी है। बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं फरहाद सामजी। एक यूजर ने कमेंट किया है और कैप्शन में लिखा है कि यह क्या है, एक कंप्लीट सिर दर्द हो रहा है, पूरा खत्म नहीं तो पूरा पाया है और अब हम कह सकते हैं कि किसी का भाई किसी की जान पूरी तरह से डिजास्टर है और हेरा फेरी 3 की तो अलग ही बात है। एक अन्य यूजर ने कहा कि हमें मेकर्स के रिप्लाई चाहिए और ये
छपरी डायरेक्टर फरहाद सामजी को हेरा फेरी 3 के कास्ट क्यों किया गया है? हेरा फेरी 3 के फरहाद को हटाओ और कोई लोग पॉपकॉर्न के एक जोक्स पर भी गुस्सा फूट रहा है। लोगों ने फरहाद से पूछा है कि क्या वे इस तरह के जोक्स हेरा फेरी 3 में दिखेंगे, बता देंगे। पॉपकॉर्न के कुणाल खेमू और कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन का जॉन लीवर समेत कई स्टार कास्ट भी दिखी हुई है। बड़े पर्दे पर इन अभिनेत्रियों ने मां के संघर्ष बखूबी दिखाया है। फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नरवे बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। 17 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने रानी मुखर्जी ने माँ की भूमिका में दिखाई दी है। दर्शकों की इनकी एक्टिंग काफी पसंद आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छी ओपनिंग की है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मां की भूमिका को सीक्वल स्क्रीन पर बखूबी निभा चुकी है। श्रीदेवी मॉम। फिल्म मॉम में श्रीदेवी लीड रोल में नजर आई है और जिसमें सजल अली, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अक्षय खन्ना के जैसे सितारों ने काम किया है। साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म श्रीदेवी की किरदार को लोगों ने काफी सराहा है और फिल्म का निर्देशन रवि उदावर ने किया हुआ है। विद्या बालन पा। साल 2009 में रिलीज हुई यह फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी और फिल्म में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन लीड रोल में नजर आए थे और वहीं बिग बी की मां का रोल विद्या बालन ने निभाया था। फिल्म में अपने एक्टिंग के लोगों ने काफी पसंद किया था और इसका निर्देशन आर बल्की ने किया हुआ है। स्वरा भास्कर, नील बटा सन्नाटा। इस लिस्ट में नील बटा सन्नाटा का नाम भी शामिल है और इसकी फिल्म की कहानी माँ बेटे के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। इस फिल्म में स्वरा भास्कर को माँ के किरदार में लोगों ने काफी पसंद किया था और उनकी काफी तारीफ की थी। इसका निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया है। श्रीदेवी इंग्लिश विंग्लिश। इंग्लिश विंग्लिश में भी श्रीदेवी का रोल एक माँ का नजर आया है और इस किरदार में उन्होंने दमदार अंदाज दिखाया हुआ है। समीक्षकों को एक दर्शकों के साथ उनकी अदाकारी काफी पसंद आई है। साल 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन गौरी शिंदे ने किया है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।